लेटेस्ट वीडियो कंप्यूटर टेक और मोबाइल से जुड़ी वीडियो के लिए आपके अपने चैनल हिंदी कंप्यूटर मोबाइल ट्रिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिले। नमस्कार दोस्तों, तो आप कैसे हो? मैं साकेत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी कंप्यूटर मोबाइल ट्रिक में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही कमाल की और यूज़फुल वीडियो बताने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बताऊँगा जो अभी तक आप व्हाट्सएप चला रहे थे और इंडिया ने अपना नया व्हाट्सएप लॉन्च किया दिया इंडिया गवर्नमेंट ने, उसका नाम है संदेश। तो मैं उस संदेश ऐप के बारे में आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में बिना स्किप देखे, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने वो पब्लिकली लॉन्च नहीं किया। मीन्स अभी तक आप गूगल प्ले स्टोर से आप उसको नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ वो ट्रायल वर्जन में चल रहा है और सिर्फ उसको गवर्नमेंट ऑफिसर ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा जहाँ से डाउनलोड करने का तरीका, अगर आप वहाँ चलाना चाहें चला सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स आए हैं जो अभी तक किसी भी ऐप्स में नहीं दिए, और व्हाट्सएप ने भी ऐसे फीचर्स नहीं दिए जो मैंने अभी चलाया। तो मुझे भी यूज़र यकीन मानिए बहुत ही कमाल का इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आपको भी वो डाउनलोड करना चाहिए, आपका देसी वर्जन है संदेश। तो इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ संदेश ऐप का। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको मैं सीधे अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल होता है, कहाँ से डाउनलोड होता है। डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस ऐप को और चला सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ सीधे स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय आप मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ उस ऐप के में संदेश ऐप, जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे संदेश ऐप, आप सर्च कर सकते हैं संदेश ऐप नाम से। संदेश ऐप नाम से कुछ ऐसा आएगा बन गया आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ www.gims.government.in, यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पे देखिए लिखा है डाउनलोड सेंटर। एंड्रॉयड के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं 2.05 31 MB का है, जबकि आपको डाउनलोड फ्रॉम आईफोन के लिए आप कर सकते हैं एप्पल iOS के लिए कैश 62 MB का है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके सिवा नीचे जो दिया है QR 3 MB का PDF फाइल, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन भी इसका मिल जाएगा कैसे क्या करना है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन के लिए, आईफोन या जिसके लिए आपको डाउनलोड करना है। क्या लिखा है, डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड अगेन। मैं पहले से इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, आप भी यहाँ से डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, अब मैं आपको ले चलता हूँ। ये मेरा डाउनलोड होकर यहाँ पे आ गया है और मैं दिखाता हूँ इसमें कुछ परमिशंस मांगेंगे जो आपको देना है। तो GIMS परमिशंस को ओके करते हैं, इसके बाद कॉन्टेक्ट्स को अलाउ करते हैं, फिर मैनेज फोन्स को भी अलाउ करेंगे, पिक्चर वीडियो रिकॉर्ड अलाउ, फ़ोटो डिवाइस को भी अलाउ कर देंगे और रिकॉर्ड ऑडियो के लिए भी अलाउ कर देंगे, जैसे आप व्हाट्सएप में करते हैं वैसे। फिर यहाँ पर देखिए नया फीचर से क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तो मोबाइल नंबर हमें डालते हैं अपना, जैसे कि ये नंबर आ गया और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। इंटर होने के गेट OTP पे ओके करते हैं, जैसे OTP करते हैं ऑटोफिल पे ओके कर देते हैं, क्या है अपने मन से वो OTP ले लेगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया और अपने मन से क्या लिखा, टू रिसेंट अटैम्प्ट लिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करने में क्रिएट योर न्यू अकाउंट अपना नाम डाल सकते हैं। तो मेरा नाम साकेत यादव ऑटोमेटिक ले रहा, जैसे मैंने पहले ओके कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर मेल पे करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आप चाहे तो फ़ोटो लगा सकते हैं, मैं आपको फ़ोटो भी लगाने को यहाँ पे बता देता हूँ। फ़ोटो पे जाइए, गैलरी में ओके कर दीजिए, गैलरी में बहुत सारे सभी के फ़ोटोज़ होंगे, आप जहाँ चाहें वहाँ से आप फ़ोटो कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरा फ़ोटो एक ये देखिए यहाँ पर, तो मैं अपना यही फ़ोटोज़ यहाँ पर लगा सकता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद इसको टिक पे ओके कर देता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे देखिए इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं थोड़ा, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया इस, और ये सेटिंग्स में जाके फ़ोटो को क्रॉप कर दिया और ये ओके कर दिया क्रॉप पे जाके, और नेक्स्ट कर दें या स्किप चाहे स्किप कर दें कि आप लोकेशन अलाउ या स्किप कर सकते हैं। तो मैंने लोकेशन को स्किप कर दिया, स्किप जैसे कि यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो हम क्या पे अलाउ लोकेशन पर कर देंगे, आप इसको चाहें बाद में बंद कर सकते हैं। वेलकम टू साकेत यहाँ पे देखिए आ गया और इस पर ओके करते हैं, कॉन्टेक्ट वो ऑटोमेटिक अपने मन से अपडेट ले रहा है, ये ओके करते हैं। ओपन सेटिंग्स में कर देते हैं, आई बैटरी क्या है, बैटरी के लिए भी सेटिंग्स है, अगर
इसका वाइव लोकेशन हमेशा खुला रहेगा तो बैटरी जल्दी थोड़ा ख़त्म हो सकती है, इसीलिए पहले ही मैसेज कर रहा है, अलर्ट कर रहा है सेट ऑटो स्टार्ट फॉर GMS, हम उसमें ओके कर देते हैं। ओपन सेटिंग्स पे जाके हम इसको अलाउ कर देते हैं बैटरी के लिए कि सेटिंग सब ठीक है, अलाउ कर देते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, यहाँ से इसके हम बैक कर सकते हैं जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, और ये क्या है, वेलकम एक संदेश मिला है, ऐड टू कॉन्टेक्ट दिस परमिशन नॉट अ योर GMS कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इसको हम बैक कर देते हैं। और ये हमारा चैट ग्रुप्स मिल गया है, यहाँ पे देखिए खुल चुका है ये हमारा, और कॉन्टेक्ट नंबर में देखिए इसमें पहले से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे ये रोहित चौहान जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसके साथ मैसेज टैप करके लिख सकते हैं, लिखते हैं हेलो और इसको सेंड कर सकते हैं, जैसे सेंड होकर चला गया है। और यहाँ से इसको हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो मैं इसको देता हूँ वीडियो कॉल को। इसके बाद सेटिंग में जाके आप इसका मैनेज कॉन्टेक्ट ऐप सेटिंग हेल्प लॉग आउट भी कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप में अभी तक फीचर्स नहीं है, मींस आने वाला है तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, ये 3 डॉट्स में दिया है, इंफॉर्मेशन सर्विस और गेम्स वेम्स का भी दिया हुआ है वेब का, तो चैट कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे चैट करने के लिए मैंने भी इसको कॉल किया था, यहाँ सेटिंग से हेलो मैसेज भी किया था, आप यहाँ से वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, जैसे ये जा रही है। नोटिफिकेशन पे जैसे ओके करेंगे, आप चाहें इसको म्यूट कर सकते हैं यहाँ से या ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ चले छोड़े इसको मैं नहीं करता हूँ। इसके सिवा ऐप सेटिंग्स में जाके ऑटो डाउनलोड मीडिया फाइल्स को हम यहाँ से बंद कर सकते हैं, जिससे कोई भी अपने मन से डाउनलोड ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप भी कॉन्टेक्ट में जाके, और भी अगर किसी को सर्च करना है तो यहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं, जिसका होगा नाम वो आ जाएगा जो भी इस कॉन्टेक्ट नंबर पर होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सीधा जाके यहाँ पर बंद कर सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ, तो आप यहाँ पे जाने के बाद इसको जेम्स पे जैसे जाएंगे आपको एक खुल जाएगा, खुलने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे जो लिखा हुआ है, और इसकी हिस्ट्री भी आप डिलीट कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको पॉज करिए, पॉज करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आ गया, फॉरवर्ड का आ गया, कॉपी ओपन का भी ऑप्शन आ गया, तो हम यहाँ से डिलीट करने के बाद इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से डिलीट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ऐप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया और आपने अभी तक मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल करके चलाइए, और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो ये ऐप कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसी क्या लगी, वीडियो आप कमेंट बॉक्स में हमारे बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं संदेश ऐप के लिए बारे में, आप हमें पूरा राय दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।